नमस्कार भव्यश्री न्यूज समय नुपुर। कहते हैं लापरवाही, एक शब्द है लापरवाही, जो कभी हमसे होती है, कभी आपसे होती है, कभी समाज से होती है, कभी सरकार से होती है, और कभी बड़े बड़े फैक्ट्री को ले लीजिए, बड़ी बड़ी सिस्टम को ले लीजिए, उनसे होती है। उसका नाम है लापरवाही। ऐसा नहीं कहते कि हम लापरवाही नहीं है, लापरवाह नहीं है। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें हम सोच भी नहीं सकते और जाने अनजाने में हमसे लापरवाही हो जाती है। बाद में या तो हम सॉरी बोलते हैं खुद को भी या अपने आसपास वालों को, और सोचते हैं सतर्क रहें। हम सतर्कता पे बात कहते हैं कि इतनी सारी सरकार का जो भी ऐड आ रहा है उसमें कहा जा रहा है सतर्क रहो। हम बात कर रहे हैं अभी कोरोना वायरस पे, यानी कोरोना ने हम सबको घर में कैद कर दिया है लॉकडाउन की अवस्था में, यानी मार्च से लेकर के, यानी लास्ट मार्च से लेकर के ये हमारा अक्टूबर का प्रथम सप्ताह आप कह सकते हैं, यानी सेकंड वीक कह सकते हैं। अभी देखिए आज की जो लगभग भी 50% गुजर चुका है, 50 के लमसम में आप ले लीजिए, तो ये लगभग इतने महीने हम लोग बिल्कुल अंदर ही अंदर रहे। जो लोग अमीर थे, यानी उनका भी पार्लर में, अमीर का मतलब क्या है कि आके उनकी गति तो रुक गई। हाँ, सिस्टम उनका जो रहा वो उतना दुख नहीं झेले जितना हम, आप या अन्य लोग हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं या दुख झेले। आज भी उबर नहीं पाए, बड़े बड़े लोग उबर जाते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं होती कहीं के लिए भी। उनको हर सिस्टम उनके लिए है, हर सिस्टम, हर दरवाज़ा उनके लिए खुला है, जबकि अन्य लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए, गरीबों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनके लिए तो कोई सिस्टम ही नहीं है। वो तो डेली जीता है, डेली कमाता है, डेली बेचारे खाते हैं, और उनके खाने से ही, उनके हर सिस्टम से ही हम जिंदा हैं। अगर वो नहीं तो हम कहाँ, वो नहीं तो हम नहीं हैं, कहीं भी नहीं हैं। क्योंकि आप सोचिए ना, सब्जी वाले अगर सब्जी नहीं बेचेंगे तो हमारे घर में पकेगा क्या? चावल दाल वाले बेचेंगे नहीं, हम खाएंगे क्या? कलम वाले कलम बेचेंगे नहीं, हम चलाएंगे क्या? तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक मोची का नाम लेते हैं, वो भी बहुत बड़ा है, कि अगर हमारे चप्पल अगर कहीं भी टूट जाते हैं, नए चप्पल भी, तो उसी का मरम्मत करते हैं। उसी तरह कार का जो हवा निकल जाए या फिर पंक्चर हो जाए, वो कौन बनाएगा? तो इसीलिए कहा गया है महत्वपूर्ण हर चीज़ है, एक सुई से लेके हवाई जहाज तक की बात अगर करते हैं। बिजनेस में तो हर चीज़ महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी हर जगह ठहर गया, हर कोई ठहर गया। हम प्लेन पे अगर बात कर रहे हैं तो प्लेन पे ही आने के लिए हम आपसे बात कर रहे हैं। अभी देखिए, लोग कहते हैं सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। आज से नहीं, मार्च से ही ये चीज़ हो रहा है, अप्रैल में और गति लिया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर को ले लीजिए, आधा अक्टूबर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, माता रानी का भी आगमन हो चुका है। और देखिए, इसमें हर आदमी कहते हैं सोशल डिस्टेंस, लेकिन कभी आप देखिए ना, शुरू से ही, मार्च के महीने से ही आप देखिए सोशल डिस्टेंस था कहाँ। किसी भी नज़रिए से देखिए, पूरे इंडिया की बात, हम दूसरे देश की बात नहीं करेंगे, मैं इंडिया में हूँ तो हम इंडिया की ही बात करेंगे। था कभी सोशल डिस्टेंस? नहीं, उस दिन भी नहीं था जिस दिन लोग एक शहर से दूसरे हुजूम बना करके पदयात्रा करके अपने गंतव्य तक गए। उस दिन भी लॉकडाउन था, लेकिन सोशल डिस्टेंस नहीं था। आज भी लॉकडाउन कहने को है, सोशल डिस्टेंस नहीं। कहने को बहुत बड़ी बड़ी बात है, बहुत जगह हमने देखा है। बसों को देखिए, बहुत सारे स्टेट में तो आप देखिएगा कि एक बस पे बिल्कुल ही उसी तरह जैसे पहले लोग मारा मारी करते थे, उसी तरह है। एक टेम्पो पे 6 आदमी 7 आदमी बैठे रहते हैं, नहीं है सोशल डिस्टेंस। कुछ स्टेट में आप देखेंगे, चूंकि बहुत सारे स्टेट घूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और इसमें भी अभी हम आपको बता रहे हैं, 3-4 दिन पहले की बात हम बता रहे हैं आपको, और अभी जिस स्टेट में हमें, वहाँ भी एक सीट पे भले ही लोग ना बैठे, एक सीट छोड़ करके बैठते हैं, यानी कि जहाँ सीट पे मान लीजिए 50 सीट हो 60 सीट हो, तो 30 लोग ही उसको बैठते हैं, 30 सीट बिल्कुल खाली जाती है। बीच का जो रो आप देखते हैं, यानी कि बीच का जो आने जाने का रास्ता होता है, उसे बिल्कुल लोग एकदम कसे हुए होते हैं, वहाँ पे सोशल डिस्टेंस नहीं होता है, चूंकि आदमी से आदमी सटा होता है। हाँ, कुर्सियाँ भले ही खाली आपको दिखती हों, ये चीज़ें, बहुत जगह का अभी ट्रेन स्टार्ट नहीं हुआ है, जो लोकल ट्रेन की बात कर रहे हैं, बहुत जगह बसेस चल रही हैं, सिर्फ बसें और बसें, लेकिन अभी हम उड़ान की बात करते हैं। अभी प्लेन की बात करेंगे तो स्पाइस जेट की बात कर रहे हैं, उससे भी यात्रा करने का हमको मौका मिला, और जब मौका मिला तो इधर से जब गए थे तो सोशल डिस्टेंस था, यानी कि 3 सीट जो होती है तो 1 सीट बिल्कुल ही, हम आपको दिखा भी रहे हैं, आप देख भी लीजिएगा, तो बीच का जो सीट था बिल्कुल खाली था, क्योंकि उसमें यह कहा गया था, पूरी तरह से दिमाग में फिट कर दिया गया था, आपको ऐसे पहनना है, वैसे अभी दिखाएंगे आपको, तो ऐसे जाइए, बिल्कुल मास्क लगाना, मास्क आपका हटना नहीं चाहिए, बिल्कुल डिस्टेंस में आप बैठेंगे, बिल्कुल दिस दैट उन्होंने बताया, और हम लोग मानने वाले हैं, क्योंकि जैसे आप चलेंगे ना, सरकार के विपक्ष में हम लोग चलेंगे, बिल्कुल ही अपने पास ब्रेन है, दुनिया जहां चल रही है एक सिस्टम से जो हमारे लिए अच्छा हो, और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, भविष्य में आपके लिए भी अच्छा हो,
हमको तो उसी रास्ते को अपनाना पड़ेगा। सिर्फ अपने स्वार्थ में स्वार्थी मत बनिए, आगे आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए या पड़ोसी को भी देखना पड़ता है कि वो हमसे कितना सुखी है या फिर हमसे वो कितना दुखी हो रहा है। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंस का तो पालन करना होता है। हम लोग बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का पालन किए, उसी तरह हम लोग बैठे भी, हम लोग कहें भी। चलिए, एक नाइट का काम था, एक नाइट हम लोग ने किया, दूसरे दिन हम लोग वहां से वापस हुए, सोशल डिस्टेंस गायब। कहाँ था सोशल डिस्टेंस? तीनों के तीनों सीट पे सब लोग बैठे हुए थे। अरे हम लोग का जो टिकट था, हम लोग तो आराम से एक सीट छोड़ करके दो जन हम लोग थे, बैठ गए। लेकिन तीसरे लोग जब टिकट लेकर आए, बोले कि अरे ये तो मेरा सीट है। फिर एयर होस्टेज आई और बोली कि हाँ ये तो इनका सीट है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि सोशल डिस्टेंस में एक सीट तो खाली है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो इधर से पूरा ही का फूल ही फूल जाए। अब आप बताइए कहाँ था सोशल डिस्टेंस? यानी सिर्फ कहने में, कथनी और करनी में कितना अंतर है, ये अंतर होना चाहिए। यानी किसी को अगर इमरजेंसी हो जाने का, तीन आदमी का इमरजेंसी हो कि जाना है, तो आप एक गाड़ी पर भी नहीं जाने देते हैं, एक थ्री व्हीलर पे नहीं जाने देते हैं। तीन आदमी नहीं बैठना है आपको, तीन आदमी बैठने ही नहीं देंगे, टैक्सी पे नहीं बैठने देंगे, बहुत ऐसे जगह। सोचिए ना कि एक महिला, अगर एक महिला कोई बीमार है तो उसके साथ एक महिला को होना तो जरूरी है ना, लाजमी है। और दो महिला अकेले कैसे जाएगी, तो एक जेंट्स का सहारा तो लेगी ना। लेकिन नहीं, नहीं जाना है, कैसे आप चले जाएंगे भाई? सोशल डिस्टेंस है भाई, दूसरे गाड़ी से जाएगा, भले ही ट्रैफिक में वो गाड़ी छूट जाए, एक घंटे बाद पहुंचे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको उतना ही बैठना पड़ेगा सोशल डिस्टेंस से। तो ये चीजें कहाँ आती हैं? हम प्लेन की बात कर रहे हैं, सोचिए सबसे उड़ान आसमान में प्लेन चलती है और उसमें सोशल डिस्टेंस नहीं है, आदमी भीड़, तो फिर इधर से क्यों दिया? एक दिन में अभी चल रहा है महामारी, अभी लॉकडाउन है, ऐसा नहीं कि लॉकडाउन टूट गया है। और लॉकडाउन टूटने के बाद भी कुछ दिन तक तो सोशल डिस्टेंस का पालन हम लोगों को करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, एक दिन में बदलता है नियम, किसके लिए? पैसे के लिए। यानी कि भीड़ लग गई तो सोशल डिस्टेंस खत्म, और अगर भीड़ नहीं है तो नहीं भाई, आपको सोशल डिस्टेंस में तो नियम मत रखिए ना। आपने जो टिकट दिया उस टिकट पे तो यात्री बैठे हुए हैं, जितने लोग हैं उतना बैठ के जाएंगे, लेकिन ये नियम मत रखिए। सोशल डिस्टेंस ये शब्द बहुत दिल को छूता है, बहुत ऐसा लगता है जैसे आपने तलवार चला दी हो। उस अनुसार जहां आपके पास सोशल डिस्टेंस नहीं है, पार्टी हो रही है देखा गया है, बहुत सारा समारोह हुआ है देखा गया है, चुनाव का दौर है देखा जा रहा है, सब जगह तो देखा जा रहा है, कहाँ है सोशल डिस्टेंस? लेकिन क्या आम पब्लिक के लिए या सिर्फ कहने भर के लिए कि सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, करना होगा और नहीं तो आप पर जुर्माना होगा, ये चीज़ें होनी चाहिए। सिर्फ अगर देखा गया है तो मेट्रो ट्रेन में देखा गया है सोशल डिस्टेंस, क्योंकि वहाँ पे आप सोशल डिस्टेंस में, लेकिन कितने लोग चलते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन ये प्लेन की बात हम बता रहे हैं कि प्लेन जैसी चीज़ों पे जो उद्योगपति बोलते हैं कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, और हमें मरते कितने हैं, क्योंकि जो सामान्य परिवार के लोग हैं वो चले जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में। अभी जितने लोग गए हैं मैक्सिमम लोग को देख लीजिए, लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो लोग कोरोना के कारण गए उनकी डेथ लगभग में, वो तो सो गुड, भगवान की चीज़ें हैं, जिंदगी और मृत्यु की चीज़, लेकिन हम कारण की बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, रख रखाव की बात कर रहे हैं कि प्लेन में रख रखाव क्यों नहीं। इसलिए मैंने कहा कि आपसे जरूर हम शेयर करेंगे ये बातों को कि एक दिन में आपका सोशल डिस्टेंस कहाँ चला जाता है, हवा खाने के लिए। क्यों, आखिर क्यों नाम दिया सोशल डिस्टेंस का मतलब? सोशल डिस्टेंस का मतलब हम भी सीखेंगे, आप भी सीखिए। लेकिन ये कहाँ का हुआ कि बीच का सीट जाने के वक्त आपको खाली रखना है, लेकिन आने के समय जितने भी सीट हैं वो सब भरे रहेंगे, इसलिए कि पब्लिक ज़्यादा हो गई। क्यों, दोबारा चलाइए, टिकट मत दीजिए, रोक लगाइए, दो घंटे के बाद दीजिए, कितना वक्त ही लगता है आने में, दो घंटा तीन घंटा, इतने दूर का ही तो सफ़र लोग करते हैं। तो खैर ऐसी बातें हुई तो मैं सोची आपसे भी शेयर करती हूँ कि देखिए अपने आसपास भी देखिए कहाँ है सोशल डिस्टेंस। फैक्ट्री खुली हुई है, लोग वहाँ काम कर रहे हैं। हाँ इतना जरूर है कि बिक्री अभी कम है, बिक्री कम है तो फैक्ट्री के लोग सारे मजदूरों को निकाल दिए हैं, लगभग में 50% है, कहीं 30% मजदूर काम कर रहे हैं, बाकी मजदूर बिल्कुल बिलट रहे हैं, बिखर रहे हैं। जिस मजदूर पे आपकी फैक्ट्री जिंदा थी वो आज कहाँ है, वो मजदूर आज इधर से उधर भटक रहे हैं। वो भटकाव जरूर है लेकिन सोशल डिस्टेंस कहीं भी नहीं है। तो ये शब्द दिल को छूता है और उचित नहीं है ये शब्द का, या तो पालन कीजिए और नहीं तो बिल्कुल ही।